खेल के मैदान से लेकर सिविल सेवा तक कुहू गर्ग ने दिखाया कि कैसे जुनून और मेहनत से सफलता की राह तय की जा सकती है। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार और मां एक समर्पित होममेकर की बेटी कुहू ने यूपीएससी में 178वीं रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो मैम शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत बहुत बधाई है आपको। और सबसे पहले जानेंगे कि कहां से इस सफर की शुरुआत हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपकी विशेष के लिए, और जो आपने पूछा उसके लिए आई थिंक बचपन से हम जैसे एनवायरनमेंट में रहे हैं, पापा को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि वो अपने वो कितने सारा सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, कितना नेशन को सर्व कर सकते हैं। मगर मैं बहुत अर्ली एज पे अराउंड द एज ऑफ 12 मेरा फोकस शिफ्टेड मोर ऑन बैडमिंटन। एक घर पे हमेशा था कि पढ़ाई बैडमिंटन को बैलेंस करके चलना है, बट जैसे जैसे मैं इंडियन टीम में आई थी फोकस उधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था और हम घर आए थे, आई थिंक वो एक वापस से कहीं मेरा लाइक रीइग्नाइट हुआ। वापस मैंने देखा कि कितना पापा वापस मतलब जो चीज़ मैं पिछले 7-8 साल से इससे दूर थी, वापस मैं उसकी तरफ आई। मैंने देखा कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना उनका प्रेस्टीजियस जॉब है। ये पता था सर्जरी और उसके आगे का रिहैब मुझे मिनिमम 1.5 साल के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ता स्पोर्ट्स से, तो मैंने सोचा इसी टाइम को अच्छे से यूज़ करते हैं। और मेरा जब सिविल सर्विसेज की तरफ है, मुझे भी देश की सेवा करने का बहुत ज़्यादा मन है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनके पिता ने न केवल कानून की रक्षा की बल्कि एक आदर्श पिता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। कुहू बताती हैं कि उनके पिता हमेशा उनकी प्रेरणा रहे हैं, जिन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। कुहू ने बचपन से ही खेल और अकादमिक्स में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेला और कई प्रतियोगिताएं जीती। एक गंभीर चोट के बाद उन्होंने अपना ध्यान यूपीएससी की तैयारी में लगा दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो पापा का जॉब तो ऐसा था कि बचपन से वो बहुत बिजी रहे हैं हमारे, मतलब हमें पूरे दिन पापा नहीं दिखते थे क्योंकि वो ऑफिस में ही रहते थे। हमारे बर्थडे पार्टीज पे भी बहुत बार नहीं आ पाते थे, बट उसके बिना भी हमें पता था उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी होती थी तो पापा ही हमारी लाइफ में हमारे मेन गाइडिंग लाइट थे। तो उन्होंने उसकी कमी कभी हमें ऐसे मतलब जस्ट बिकॉज वो जॉब में वैसे बहुत बिजी थे, उन्होंने उसकी कमी हमें फील नहीं होने दी। एंड बाकी आई थिंक वही है, हम लोग क्योंकि हमेशा मूव अराउंड करते रहे हैं, पापा की ट्रांसफर्स होती रही। बैडमिंटन की वजह से नेशनल कैंप में चले गई थी, 2013 से मैं वहीं पे थी, तो मैं घर से दूर काफ़ी समय रही हूँ। तो आई थिंक आजकल तो फ़ोन कॉल्स एंड यू नो व्हाट्सएप एंड स्काइप का जैसे पूरा है, वीडियो कॉल्स, सब लोग एक कॉल अवे हैं। जब भी ज़रूरत है पेरेंट्स हमेशा साथ रहे हैं, उनके सपोर्ट से ही जितना कर पाए मैं कर पाए। आई थिंक मेरे स्पोर्ट्स की वजह से भी मुझे बहुत इन सब चीज़ों में हेल्प मिली है, क्योंकि 15 साल से रोज़ सुबह आप 5:30-6 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए जाते हो, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होके सब कुछ खुद ही करना होता है। तो कुहू ने अपनी स्कूली दोस्त और आईएएस अधिकारी नारायण भाटी से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त किया। नारायणी की सफलता ने कुहू को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। बोला पापा की ट्रांसफर्स की वजह से मैंने भी बहुत सारे स्कूल्स चेंज करे, एंड उसकी वजह से बहुत समय नहीं मिलता था फ्रेंड्स बनाने का, बट आई थिंक हर जगह से एक एक दो दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ अभी भी मैं टच में हूँ। एंड मेरे संस मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा क्लास 8 टू क्लास 12 दिल्ली में, एंड वहाँ की जो मेरे 2-3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, आई थिंक उनका सपोर्ट, उनसे मैं कॉन्स्टेंट टच में थी। उनमें से एक ने रिसेंटली लास्ट ईयर भी यूपीएससी क्लियर किया था, तो उनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। जैसे हरियाणा पानीपत से आपका ददिहाल है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पिता है वहाँ से हैं। एक ज़माना था हरियाणा में जो है जो महिला का जो बेटियों का रेशो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था, ग्राफ काफ़ी गिर रहा था, लेकिन आपकी बात करें या फिर साइना नेहवाल हैं, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं हरियाणा से जो बिलोंग करती हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप कितनी सोसाइटी में जो है कितना चेंज देख रही हैं, उस रेशो में कितना जो है बदलाव देख रही हैं कि बदलाव आ रहा है? आई थिंक बदलाव तो बहुत आ रहा है, एवरी जनरेशन में हम ये चेंज देख रहे हैं। आज मेरे साथ के जितने लोग हैं मैं देखती हूँ कि वो अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो भी परस्यू करना चाहें उसके लिए उनके पीछे खड़ी है उनकी फैमिली। तो ये बदलाव आ रहा है, और आई थिंक जब आप रोल मॉडल्स को देखते हैं, वो साइना नेहवाल हो, फोगाट सिस्टर्स हो, कोई भी किसी भी फील्ड से हो, हर फील्ड में लड़कियाँ बहुत अच्छा करेंगी। कुहू गर्ग की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत चुनौतियों को पार कर बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। उनका संघर्ष और जीत आज के युवाओं के लिए एक वास्तविक प्रेरणा है। लोकल 18 देहरादून से हीना आजमी की रिपोर्ट।